लूज लूस्टॉक के साथ अंदर मकसूद आपकी ख़िदमत में सैलाब भी आ गया और बलदयाती इंतखाबात भी आ गए पूरा मुल्क परेशान है नाजिम अपने अपने घर चले गए आजकल कोई नाजिम नहीं है और सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इस वक्त मेहनत कर रही हैं अगले इलेक्शंस के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद से कराची और यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं तो आज मेरे मेहमान भी एक एम एन ए हैं आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है आप भी लाहौर से तशरीफ लाए हैं सर आप एम एन ए हैं दिस इज जोक दिस इज नॉट अ जोक क्या आप एम एन इस तरह मुस्कुरा क्या आप कह रहे हैं कि आप एम एन आप लोगों को जमहूरियत रास ही नहीं है फिक्र करो हमारी वजह से असेंबली चल रही है बल्कि चल पड़ी है और ऊपर से मुस्कुरा के पूछ रहे हैं अरे यू एम एन ए सर मेरी मुस्कुराहट में खुशी का इजहार और नहीं तो मैं मैच नहीं कर रहा हूं। मरे अल्फाज और वो मैच नहीं कर रहे आपस में जैसे गलत करनी है सीधी गाल करी तुम लोगों को तनकी आदत पड़ी हुई है ना बस तनकीद करना है सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करना है तनकीद ना क्या करो ज्यादा कभी कंस्ट्रक्टिव बात भी क्या करो आप एम एन यस मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आपने इलेक्शन जीता अब यही तो देखो ना यही तो गलत गल है और करते नहीं हो फिर ऊपर से जाके तुम लोग एम को बुलाते हो बड़े बड़े लोगों को बुला के उनके साथ में बदतमीजी करते हो बात करते हो मैंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट हासिल किया टिकट मुझे मिला था जीता में था किसी और पार्टी से लेकिन वो जो पार्टी थी वो पावर में नहीं थी तो जब पावर में नहीं थी तो मैंने कहा कि भाई जो पावर में है उसके साथ काम करो तुम्हें तो मुस्लिम काफ में आ गया ये है कल शाम आप कौमी एयरलाइन से लाहौर से कराची तशरीफ लाए अब कौमी एयरलाइन के ऊपर याद आया अभी कुछ अरसे पहले जो है कौमी एयरलाइन के एम डी ने ये बयान दिया था कि पैंतालीस साल से ऊपर जो है वो कोई भी जो है नजर नहीं आएगी जी हाँ शायद कहा था क्या सी ना दीगल <laughs> लेकिन जिस एयरऑस्टिस ने मुझे बिजनेस क्लास के अंदर समोसे सर्व किए उसकी जुड़ियाँ देख के लग रहा था कि वो पैंट से भी ऊपर किया है मुस्लिम लीग काफ इस वक्त पावर में यार बताओ फुल टिकट खरीदो और फजा के अंदर बैठ के पैठ साल की औरत से जो है वो समोसे सर हैं यार ये मेरी खिदमत का सिला मेरा ताल्लुक कौमी एयरलाइन से नहीं है सर यार दसो प्लासी की जंग में शहीद होने से जो बच गए उनको उन्होंने प्रसर बना दिया है अब यार सोचने की बात है बुजुर्गों से पानी मांगते हुए कितना बुरा लगता है, है कि नहीं है या नहीं है सर हाँ? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग खिलाफ हैं जमहूरीत के हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं जब वो चली जाती है। हाँ जी आप किस किस्म की बात कर रहे हैं मैंने आपको अपने प्रोग्राम में एक एम एन ए की हैसियत से बुलाया मुझे है। पता है आपने एम पी ए की हैसियत से नहीं बुलाया मैं चाहता हूँ की बुलाया देखिए मैं आपको यार देखो नब्बे मिनट की फ्लाइट होती है नबे मिनट की फ्लाइट थी नबे मिनट की फ्लाइट में मुशाहिद साहब और चौबीस साहब जो है मुसलसल सियासत के ऊपर गुफ्तू कर रही थी अब मैंने इधर आने के बाद ये सोचा मैंने अपने कई दोस्तों से भी कहा कि आज मैं सियासी गुफ्तु से जो है वो प्रेस करूँगा इसलिए कि जो वो प्लानिंग कर हैं वो नामुमकिन और नामुमकिन चीज़ जो है उसका डिस्कशन करना जो है बिल्कुल बेकार बात है अब यार इन बातों को ये दसो ये पैंठ साल की जो एयरस्टेस है ये बत्तीस हज़ार फुट की बढ़ंद के ऊपर कौम के खाद को समस्या सर्व कर रही है ये कोई चंगी गल है वक्त कैसे गुजरता है से? कैसे हुँ? कैसे नहीं नहीं मैं अपने... आपने कहा ना वक्त कैसे गुजरता है वही पूछ रहा हूँ वक्त कैसे गुजरता है सत्ताईस बरस पहले हुँ? जुलाई के महीने में जनरल जयाउल साहब पावर में आए थे देखो पांच जुलाई को जो है वो पांच जुलाई को पीपल पार्टी वालों ने यौम में मनाया था मैं तारीख बता रहा हूँ तुम जी 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 और पीपल पार्टी के एक साहब जो है वो मेरे कार के ऊपर आए और बैठे हुए थे तो खाना वाना कुछ भी नहीं खा रहे थे रात को जब डिनर का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि अभी डिनर खा लो कहने लगे नहीं यार हम लोगों ने फैसला किया है कि हम भूखे रहेंगे क्योंकि आज यू हमें श्याम मना रहे मगर मैंने कहा यार तुम ये जो साढ़े तीन किलो लीची तो तुम खा चुके हो इतनी देर में तो बस ये सुनते ही वो रोन लगते टार्टेट कराए कहने लगे बुटो साहब को लीची बहुत पसंद थी और ये कहने के बाद उसने एक भी लीची सलामत नहीं छोड़ी कराची आप क्यों आए हमारे वजीर आल ने हमको इधर भेजा है कि जाओ जाके पता करो कि कराची में, के कराची में के पाकिस्तान के हालात कैसे, कैसे लगते हैं कराची में पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान के हालात कैसे लगते हैं बात यह है सर हुँ. के पैंसठ की जंग के बाद और पैंट के ऊपर मुझे याद आया ऐसे हालात खराब यार एक बात सुनो पैंट के ऊपर याद आया ये कितनी जाति की बात है कि फुल टिकट खरीदने वाले को एक कौम के खादिम को जिस टर्बुलेंस भी है बत्तीस हजार फुट के ऊपर एरो जो है वो समूह से दे रही है पैंट की आपको शुक्र करना चाहिए कि वो इस उम्र में भी खिदमत कर रही है और मेहनत कर रही है थ्योरी जो है ना अपने पास रखना समझ में आई बात मेरा ताल्लुक है मुस्लिम लीग काफ से है। अगर मेरा ताल्लुक एम एम ए से होता तो मैं पैंसठ साल की खिलाफ जो है बाद नमाज जुआ हड़ताल की कॉल दे देता सैलाब आ गया सर और ये पिछली हुकूमत में बुलाया था आया बह तो हम क्या करें पिछली हुई उन्होंने सैलाब को क्यों बुलाया था आप लोग इश्हार देख इश्हार मैं भी देखूंगा क्यों और बात है कि उसमें एक मॉडल को देखना है समझ मैं तुमको बताऊंगा ये मॉडल है तुमने बताना है कि वो किधर है अल्लाह करे कराची में हो अगर वो कराची में होगी ना तो हमारा सिंध का दौरा जो है वो कामयाब हो जाएगा ए, मैं नहीं। आप इश्तार देखे जी इश्हारा ख़त्म हो गए थी इश्हारा ख़त्म हो गए मॉडल को देखा जी जी मैंने नोट किया है, है? नोट कर लिया मैंने मॉडल को नोट कर लिया वैसे जी। जी। एक बात बताओ एक्चुअली मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर वक्फ़ा जरूरी है नहीं वक्फ़ा जो है पैदाइश के वक्त बहुत जरूरी है और मैं तो बच्चों की पैदाइश के वकफे के दौरान जो है फ़ॉरन कंट्री चला जाता हूँ क्योंकि उनकी अगर आबादी बढ़ती है तो बढ़े इसलिए हमारा कैदा लोग है कराची रह के आपको पाकिस्तान के हालात कैसे लगे यार कराची जो है ना वो एक्चुअली अफवाहों का शहर है अफवाहों का शहर कराची जो है यहाँ से शहर को देखो हल्का बल्का हाँ तो वो क्या है जो भी है यार बात समझ आ गई ना जी जी समझ आ गई ना बस वो यहाँ से शहर को देखो हल्का तो हल्का बहल्का साली एक अफवाह उड़ी हुई है और मेरे खिलाफ भी एक अफवाह उड़ी हुई है कौन सी मेरे खिलाफ यह अफवाह उड़ी हुई है कि मैंने अपनी उम्र से अट्ठाईस साल छोटी कुड़ी से शादी कर ली है सर यह तो अखबार में भी आया था मैंने खुद पढ़ा है यही तो कह रहा हूँ मेरी जान आप लोगों को इनफॉमेसन नहीं है यह अफवाह वो अट्ठाईस साल मुझसे छोटी नहीं है वो छब्बीस साल छोटी है।, है ना कन्फ्यूजन चलिए ये तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है इसको क्यों बता रहे हैं आप नहीं नहीं ये पूछा तो मैंने बताया ना तो कराची में रह के आपको पाकिस्तान के हालात कैसे लगे ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर और इम्तियाज़ शेख जो है एक ही शहर में रहते हैं अगर मेरा ख्याल है दूसरे मुख्तु शहरों के अंदर रहते तो वो कराची से पाकिस्तान के हालात बहुत डिफरेंट नजर आते सर नाजिम चले गए मगर हैरत की बात है कि अब सुना है कि एम पी एज और एम एन एज नाजिम के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यार देखो मैं आपको एक फ्रेंकली बार बताता हूँ बात दरअसल ये है देखो कि नाजिम के, के हाथ में कैश है एम पी और एम एन एस के हाथ में जो है वह ऐश है और ऐश विदाउट कैश जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी वज़ीर को वजारत दाखिला से हटा के कश्मीर अफ़ेयर्स में लगा दिया जाए <laughs> सर मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर की वजारत इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम वजारत है क्योंकि दो मुल्कों के तल्ल का इसाफ कश्मीर के फैसले पर देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बात यह है कश्मीर का जो मसला है वो एक क्रिकेट मैच की तरह से हो गया है टेस्ट मैच की तरह से। टेस्ट। <laughs> टेस्ट है उधर वो अग्नि टेस्ट कर रहे हैं इधर हम शहीन टेस्ट कर रहे हैं अंपायर हमारे जो हैं वो कोई फैसला कर नहीं सकते इसके लिए मेरा ख्याल न्यूट्रल अंपायर बुलाना पड़ेगा और तुम देख लेना अगर हरी बत्ती जल गई तो पाकिस्तान जीत जाएगा अगर लाल बत्ती जली तो हिंदुस्तान जीत जाएगा और अगर पीली बत्ती जली तो कश्मीर जीत जाएगा पीली लाइट तो होती नहीं है सर देखो बात सुनो गुस्से में लाल पीली हो जाती है वाकई आजादी की खातिर कश्मीर का हर शख्स अपनी जान का नजराना लिए घूम रहा है और जान पे याद आया यार ये बताओ मॉडल का नंबर तुम्हारे पास है ज़रा है तो लिखाओ मैं ज़रा फीड कर लूँ क्योंकि अगर उसका नंबर आपने बता दिया तो समझ लूँ कि हमारे यहाँ का दौरा जो है वो कामयाब हो जाएगा क्या क्या नंबर है सर तो आप चौबीस हज़ार वोट से जीते थे पंजी हज़ार पाँच सौ पंजी हज़ार पाँच सौ आप इश्तार देखिए जी सर दूसरा वक्फ़ा भी खत्म हुआ दूसरे वक्फ़े के बाद मेरे तीन बेटे हुए थे सर प्लीज हुँ? मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे वक्फ़े अच्छा के बाद मैं यार इतनी गर्मी क्यों है ऐसी नहीं चलता रहे थे तो तुम्हारे स्टूडियो के अंदर सर आप पाकिस्तान की तारीख के बारे में क्या जानते हैं पाकिस्तान की तारीख के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सच्ची बात करता हूँ सच्चा आदमी नथिंग नो नील बिल्कुल कुछ नहीं जानता मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जानते कुछ नहीं है पता कुछ नहीं है किया कुछ नहीं है और टेलीविजन के ऊपर आके बयान देते हैं कि जी हमारे पुरखों ने हमारे बुजुर्गों ने जो है पाकिस्तान की ज़मीन हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है नॉट लाइक दिस पाकिस्तान के माजी से आप बिल्कुल ना वाकिफ हैं नो no, यस yes. पाकिस्तान के माजी से आप ना वाकिफ हैं पाकिस्तान के हाल के बारे में क्या कहना चाहिए मेरा एंटीना गरा हुआ है क्योंकि लाहौर में हनेरी आई हुई है और एंटीना टूटा हुआ है तो डिश आई नहीं रही है तो बीबीसी नहीं लग रहा है तो कैसे पता चलेगा हाल के बारे में वैसे भी वहाँ पर पाँच छः धमाके हो चुके हैं अल्लाह माफ़ करे अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो जिम्मेदारी कबूल कर लो तुम्हें इज्जत से बाहर ले जाएंगे तुम्हें ऐश में रखेंगे या सात आठ हज़ार रुपये के चेक में तुम्हारा क्या गुजारा था होगा पाकिस्तान का माजी आप नहीं जानते पाकिस्तान का हाल आप बता नहीं सकते क्योंकि आपका एंटर लग रहा हुआ है लाहौर में आंधी आई हुई है बी बी सी लग नहीं रहा है यस तो पाकिस्तान के मुस्तबिल के बारे में आप क्या जान देखो बात दरअसल ये है कि दो हजार सात तक तो वो हम अपनी वर्दी नहीं उतारेंगे ये शलवार कमीज वेस्ट कोट या कोट और टोपी जो है क्योंकि दो हज़ार सात के बाद पता नहीं पब्लिक जो है वो हमको क्या बनाती है और 2010 तक तो मियां नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान नहीं आ सकते ये तो मैं तुमको तो गारंटी से मुस्तबिल कर सकता हूँ बेनजीर साहिबा तो आ सकती है, मेरा ख्याल है उनको फ़ौरन आ जाने चाहिए क्यों मैंने सत्तर हजार पोस्टर जो है आसफ जरदारी के फेवर में छपवाए थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता उनको निकाल नहीं सकता मैंने बेसमेंट के अंदर पड़े हुए हैं टोटल लॉस है अगर बेनजीर साहबा आ गई तो आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे नॉट फॉर क्या मतलब भाई देखे ना कि मैं पीपल पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में आ गया तो काफ छोड़ के वापस पीपल पार्टी में भी जा सकता हूँ ऐसी कड़ी गल है सर लाहौर की जो सड़क है माल रोड पिछले तीस बरस से मैं उस सड़क को देख रहा हूँ पिछले तीस बरस से उन दरख्तों पर और बिजली खम्बों पर बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें आपका नाम और खुश तो लिखा हुआ है सिर्फ ऊपर वालों के नाम बदलते रहते हैं बात यह है कि माल रोड की हिस्ट्री यह है कि माल रोड के ऊपर जितने एक्सीडेंट होते हैं वो तुम जैसे ड्राइवरों की वजह से होते हैं भाई जब आप गाड़ी चलाते हो तो सीधे देखो यार क्या ज़रूरत है उधर खम्भों को और दरख्तों को देखने की जब इधर देखोगे तो एक्सीडेंट तो होगा क्या बात करूँ आपसे मैंने सुना है कि हमारे वजीर अजम मोहतरम शौकत अजीज़ जा रहे हैं <laughs> यह अफवाह भी मैंने उड़ाई है असल में वो बाहर जा रहे हैं दौरे पे जा रहे हैं मैंने उड़ा दी वो जा रहे, है। आपका मुझे मुझे रहे हैं आपका मोबाइल बज रहा है एक मिनट मेरा ख्याल है आपकी मॉडल का फोन है हाँ देखते हैं ओए मेरी मॉडल का नहीं मेरे मॉडल का फोन है एक मिनट हेलो जी जो साहब मैं की बकवास कर रहा हूँ मैं नहीं बकवास कर रहा हूँ यान मखसूद बकवास कर रहे हैं जी सर आप इधर आए हैं तो कुछ काम कर लें बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं सर और बैठ के आप ए वाई डिजिटल के ऊपर है आलू स्टॉक देख रहे हैं जी सर पता नहीं हम लोग 2007 से पहले कोई काम करने के लिए तैयार नजर नहीं आते आई डोंट नो वाई आई डोंट नो वाई ए आर वाई एक एम एन जो 25,500 वोट से जीते थे उनसे आपने मुलाकात की इजाज़त दीजिए मुदाफि